नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू यू ऑल। मैं जो बाइसन सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू में मैंने जो रेगुलर व्यू देता हूँ, तो कल के लिए मैंने स्क्रीन करके मैंने मेरे फाइल में स्क्रीनिंग करके मैंने स्टॉक्स चुना है, तो उसी का व्यू आप लोग को दूंगा इक्विटी का। उसके बाद कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का दिखाऊंगा और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 और कुछ कैंडलस्टिक्स का पैटर्न जो जो स्टॉक्स में बना है कुछ आप लोग को कुछ दिखाऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और ये बाय सेल लेवल आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत सारा एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ बहुत सारा वीडियोस बना के रखा हूँ। पैटर्न ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, हाउ टू प्रॉफिट मेक प्रॉफिट इन इंटरडे विद आर्बिट्रेज एंड पैटर्न ट्रेडिंग, ये सब बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा और भी बहुत सारा वीडियोस मैंने बनाते रहूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को इसमें स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज मैंने जो बाइसेंस लेवल कम स्क्रीनर बनाता हूँ इसमें तीनों लेवल रहता है आप लोग जानते हैं, और बाइसेंस लेवल 1, बाइसेंस लेवल 2 और बाइसेंस लेवल 3। इसमें कुछ पैरामीटर्स या जो आप लोग को स्क्रीनिंग करने से बहुत ही हेल्पफुल होगा, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कुछ ईएमए का क्रॉस ओवर 10-20 एंड BWAP बोलिंजर बैंड प्रोबेबिलिटी, 5813 का ईएमए क्रॉस ओवर, पिवट पॉइंट और बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल, ये प्राइस चैनल टीरॉन बोलिंजर बैंड का अपर लोअर और मिडिल बैंड और टीरॉन लेवल, ये सब इसी मुख क्लाउड टीरॉन लेवल, ये BWAP, ये सब अब भी आप लोग को एक एक बाइसेल लेवल का एंट्री भी मान सकता है। और स्क्रीनिंग करने से भी मदद करेगा। तो इसमें और इस सीट में मैंने ओनली बाइसेल लेवल 3 को रखा है। बाइसेल लेवल 3 को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों साइड भी बाइसेल लेवल रखा है, क्योंकि अप ट्रेंड जब ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब नीचे आएगा और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड जब और रिटेस्ट को ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा और कौन सा लेवल पर कौन सा स्टॉक है वो भी इधर से क्लियरली दिख जाएगा। और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। 530 EMA का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर रहेगा, 955 EMA, 14 EMA, 335, 34, 320, 50, 300, 50, 100 EMA का क्रॉस ओवर देखिए आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। उसके बाद आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक बार आप लोग डिटरमाइन कर लेंगे तो उसका बाय सेल लेवल बाई या सेल लेवल आप लोग देख सकता है, अप ट्रेंड का बाय लेवल सेल लेवल देख सकता है या डाउन ट्रेंड का बाय सेल लेवल देख सकता है इस वजह से। इसके बाद इधर आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट रहता है कौन सा स्टॉक्स में स्टॉक्स और फ्यूचर का कितना डिफरेंस है, कोरिलेशन पेयर ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक्स में रिलेशन मतलब कोरिलेशन कोफिशियंट कितना है वो भी आप लोग को इधर से दिखेगा। और इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न और NR4 NR7 ये सब बना के रखा हूँ, तो ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप लोग को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, फिर सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये फाइल पूरा शेयर करता हूँ और आप लोग रिटेल के लिए ज्वाइन हो सकता है। तो आप लोग को उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। और बाइसेल लेवल 3 जो कि मेरा सबसे रिकमेंडेड बाइसेल लेवल है वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो इनसाइड द बार ट्रेडिंग मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न का जो है उसको भी देखे आप लोग ट्रेडिंग कर सकता है, बाइसेल लेवल भी आप लोग देख सकता है। तो आज का लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए बाइसेल लेवल 1 है, ये स्टॉक्स आप लोग देख सकते हैं, ये स्टॉक्स का ये लेवल है, वाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8
दाएं तरफ सेल का एंटी लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से लेकर टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ, और हर एक बाई सेल लेवल में हर बाई सेल लेवल में आप लोग को गैप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेंगे। सोच लीजिए ये इन्फाटेल 257.40 के ऊपर हुआ ओपन हुआ, सोच लीजिए 357.60 में ओपन हुआ, तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं 258.30 या 20 के लिए। उसके बाद 350 इसके इस इधर ये टारगेट 3 और टारगेट 4 के अंदर ओपन होगा, तो आप लोग टारगेट 4 देख सकते हैं कितना नज़दीक है वो, आप लोग नेक्स्ट लेवल में का कितना नज़दीक है आप लोग देख ले सकते हैं। उसके बाद एंट्री ले सकता है, दूर रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट के लिए देख सकता है, और पास में होगा तो नज़दीक होगा तो उस टारगेट का क्रॉस होने के बाद आप लोग नेक्स्ट टारगेट के लिए एंट्री ले सकते हैं। तो ये आप लोग को हर एक बाईस लेवल में आप लोग को ये करना पड़ेगा। यह है बाईस लेवल 2, इसके बाद ऐसे लेवल 3 आप लोग को दिखाऊंगा, यह ऐसे लेवल 3 R1 इसका बाइक का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है, और इधर स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट भी आप लोग को देख सकते हैं, इसका वैल्यू भी नोट कर सकते हैं, वो भी बाइस लेवल बन सकता है। ये बोलिंजर बैंड का अपर लोअर और मिड बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, प्राइस चैनल का अपर लोअर और मिड बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, और टीरन लेवल जो है इसका टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि ये भी आप लोग को एक एंट्री लेवल बन सकता है, या सपोर्ट स्ट्रेस आप लोग इसको देख के बाई सेल लेवल जो मैंने दिखा है उसका एंट्री ले सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल आप लोग को दिखाऊँगा, इसमें जितना सारा एफएनओ स्टॉक्स है उसका लेवल रहता है, कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके बाद फ्यूचर्स का लेवल रहता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का दिखाता हूँ। लेवल वैसे लेवल 1 है ये, और इसके बाद वैसे लेवल 2, उसके बाद वैसे लेवल 3 आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं, या मैंने वैसे लेवल का परफॉर्मेंस और देने का कोशिश करता हूँ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कैसे एंट्री लेना है वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसका ये आप लोग एक्सेल फाइल आप लोग लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। ये फ्यूचर्स का लेवल है, कुछ फ्यूचर्स का लेवल मैंने ऐसा ही दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का दिखाता हूँ, कौन सा लेवल पे मैंने कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए वन डे का हिसाब से, और आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिए, नहीं आप लोग नहीं जानते हैं सो जी वन डे का जो हिसाब से जो बनता है, आप लोग स्टॉक्स आप लोग को वास में दिखा देता है। सोच लीजिए ये वाला है, तो ये अंबुजा सीमेंट का है, ये जो अंबुजा सीमेंट है इसमें वन डे का हिसाब से बना है इनसाइड द बार। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा, इसमें आप लोग को इधर से मिल जाएगा, तो वन डे का हिसाब से जॉब होगा, तो वन डे का जो मतलब वन डे का मतलब अगला दिन का जो हाई लो क्लोज था, अगला दिन का जो हाई लो क्लोज था उसको ब्रेक होना पड़ेगा, और टू डेज का और NR4 और NR7 का जो करेंट का आज का जो मतलब बना है उसका लेवल तोड़ना पड़ेगा। आज का जो हाई लो क्लोज है
उसका लेवल तोड़ना पड़ेगा। आज का जो ये करंट डे देखता है और टू डे